IBN 7 हौसला है। और मायावती इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। इस सरकार द्वारा अब यहाँ दरकिनार कर दिया गया है, अर्थात ठंडे बस्ते में डलवा दिया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी ने विदेशों से काला धन वापस लाकर उसे फिर देश के हर गरीब परिवार को 15 व 20 लाख रुपए के हिसाब से देने का भी ये वायदा करके यहाँ की गरीब जनता को जो अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे, ये अधिकांश वायदे अभी तक भी इस पार्टी की सरकार में कोरे सपने ही बनकर रह गए हैं। अर्थात ये सभी वायदे जमीनी हकीकत में हमें कोई पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि इन्हीं दिखाए गए सपनों की आड़ में इस पार्टी ने अभी हाल ही में देश के कुछ राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भी इसका काफी कुछ फायदा उठाया है। लेकिन इनका ये ड्रामा देश में अब ज्यादा लंबे समय तक यहाँ आगे चलने वाला नहीं है, और खासतौर से उत्तर प्रदेश में तो अब यहाँ आगे कतई भी चलने वाला नहीं है। इसके साथ ही इस समय देश में डीजल व पेट्रोल की कीमतें भी केंद्र सरकार की मेहरबानी से नहीं बल्कि इनकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरने की वजह से ही कम हुई है। इसके अलावा महंगाई भी कागजों पर तो जरूर कम हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत में इसमें अभी तक भी कोई खास कमी नहीं आई है। और इतना ही नहीं बल्कि इस सरकार में दलितों, पिछड़ों एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हर मामले में व्यवहार स्तर पर ज्यादातर उपेक्षा ही की जा रही है। और इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही इस सरकार में भी अधिकांश बड़े बड़े व महत्वपूर्ण सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही देकर यहाँ देश के करोड़ों दलित एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से इन्हें मिले आरक्षण को भी एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत इसे भी अब यहाँ धीरे धीरे निष्प्रभावी बनाया जा रहा है, ताकि इन वर्गों के लोग आर्थिक मामले में और भी ज्यादा पिछड़ जाए और कमजोर हो जाए। जबकि इस मामले में केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार का भी रवैया कोई खास अच्छा नहीं रहा है। इसके अलावा पूर्व की सरकारों की तरह केंद्र की इस मौजूदा भाजपा सरकार में भी विभिन्न स्तर पर दिए जाने वाले आदर सम्मान में भी इन वर्गों के संतों, गुरुओं महापुरुषों के साथ आज भी यहाँ हिंदू वर्ण व्यवस्था में व्याप्त गैर बराबरी वाली जातिवादी व्यवस्था के तहत चलकर इनके साथ अधिकांश पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर 9 अक्टूबर सन 2006 को जब बीएसपी के संस्थापक एवं इन वर्गों के सही मार्गदर्शक रहे मान्यवर श्री कांशीराम जी की मृत्यु हुई थी, तो तब उस दौरान केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चल रही थी। लेकिन इस कांग्रेसी सरकार ने भी इसी जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर उस दौरान इनके आदर सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक तक भी घोषित नहीं किया था। और इस मामले में यही रवैया उस समय हमें यहाँ सपा सरकार का भी देखने के लिए मिला था। और इसके बाद फिर आगे चलकर इस कांग्रेसी सरकार ने इनको किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित नहीं किया है। और अब वर्तमान में इस समय केंद्र में चल रही बीजेपी की सरकार ने भी इनके साथ इसी प्रकार का पक्षपात वाला रवैया अपनाया है। अर्थात केंद्र की इस भाजपा सरकार ने एक ही जाति के दो लोगों को तो भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित कर दिया है, लेकिन यहाँ दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित किसी भी एक महापुरुष को इस उपाधि से सम्मानित नहीं किया है। जबकि इस देश में
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देहांत के बाद इन वर्गों के मान सम्मान व उत्थान में माननीय श्री कांशीराम जी की रही त्याग तपस्या को ध्यान में रखकर इन्हें इस उपाधि से जरूर सम्मानित करना चाहिए था, लेकिन इस पार्टी की भी सरकार द्वारा जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर इनको ये सम्मान नहीं दिया गया है। और इसी प्रकार पिछड़े वर्ग से जुड़े महात्मा ज्योतिराव फूले को भी यहाँ शिक्षा एवं देश में समतामूलक समाज व्यवस्था को कायम करने के लिए इनके रहे महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखकर इनको भी इस उपाधि से जरूर सम्मानित करना चाहिए था, लेकिन इन्हें भी इस उपाधि से सम्मानित नहीं किया गया है। इसके साथ साथ अन्य और भी हमारे संत गुरु व महापुरुष इस सम्मान के हकदार हैं, जिन्हें भी इस मामले में उपेक्षित करके रखा गया है। इससे खासकर यहाँ कांग्रेस पार्टी व वर्तमान में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में चल रही इस एनडीए सरकार का भी रवैया इन वर्गों के प्रति आज भी हमें पक्षपात एवं जातिवादी मानसिकता रखने वाला साफ नजर आता है, जिसकी हमारी पार्टी आज फिर से इनकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। इसके अलावा देश हित में यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि केंद्र में रही पूर्व की लगभग सभी सरकारों की तरह इस मौजूदा बीजेपी की सरकार में भी आज भी हमारे देश की सीमाएं पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ अपने देश को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही हमारा देश आज भी आंतरिक व बाहरी आतंकवाद से अक्सर दहशत में बना रहता है, और खासकर अभी हाल ही में हुए यह आंतरिक आतंकवाद के कारण असम में एक ही विशेष वर्ग के अर्थात आदिवासी समाज के लोगों को वहां बड़ी संख्या में अपनी जान तक भी गंवानी पड़ी है। कहने का तात्पर्य ये है कि केंद्र में इस समय चल रही बीजेपी की सरकार भी अब हमें अधिकांश यहाँ हर मोर्चे पर फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस सरकार में देश व आम जनता के हितों का नहीं बल्कि यहाँ के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के हितों का ही विशेष ध्यान रखा जा रहा है, और अब इनको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए इस सरकार द्वारा केंद्रीय कानूनों में भी अभी तक काफी कुछ बदलाव कर दिया गया है। अर्थात मौजूदा श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के संविधान की प्रस्तावना व मूल सिद्धांतों को ही अधिकांश दरकिनार करके जिस प्रकार से पूरे तरह से यहाँ पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के हाथों में खेलना शुरू कर दिया है, तो उससे अब यहाँ इस सरकार में बाकी समस्त 125 करोड़ देशवासियों का जीवन गुलामी भरा बना देने का भयानक खतरा मंडराने लगा है। इसके साथ ही देश के जिन बड़े बड़े उद्योगपतियों धन्ना सेठों व पूंजीपतियों के गलत धन बल पर व साम दाम दंड भेद आदि अनेकों गलत हथकंडों को इस्तेमाल करके इस पार्टी ने केंद्र की सत्ता हासिल की है, उन्हें अब ये भाजपा सरकार हर प्रकार का अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए काफी ज्यादा सक्रिय व तत्पर होकर लगी हुई है। इतना ही नहीं, तो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई उत्तर प्रदेश सरकार को उन्होंने बताया फेल बताया, साथ ही साथ केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा काला धन वापस लाने की बात जो वादा किया था वो सपने का सपना ही रह गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महंगाई केवल कागजों में कम हुई है, पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें कम हुई हैं उसमें सरकार ने कुछ नहीं किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हुई हैं इसीलिए ये कीमतें कम हुई हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत रत्न की बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि उसमें भी दलित और जो पिछड़ा वर्ग है उसकी उपेक्षा की गई है, कांशीराम को दिया जाना चाहिए था भारत रत्न, ये साफ उन्होंने कहा, और एक ही जाति को क्यों भारत रत्न दिया गया इस पर भी उन्होंने सवाल उठाया।